हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो केसेज होते हैं जहाँ पे हमें ये नहीं पता होता कि हमारे अधिकार क्या हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने कहीं पे ही पढ़ाया है, मतलब एज ए टीच किया है किसी स्टूडेंट, मतलब किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्कूल में, या कहीं पे भी आपने जॉब की, मान लो डिजिटल मार्केटर की या ग्राफिक डिजाइनर की, मतलब कहीं पे भी जॉब की, और आपकी जो आपकी सैलरी है वो दे नहीं रहे हैं कोई भी बहाना बना के एक्स वाई जेड, तो आपके सिविल कोर्ट में जाएंगे या किसी और कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो सिविल कोर्ट में तो जो केस चलते हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं, इसलिए आप लेबर कोर्ट में ही केस फाइल करें। लेबर कोर्ट में केस फाइल आप जो करेंगे, जैसे मान लो आपने टीच किया है किसी और स्टेट में और अब आप रह रहे हो किसी और स्टेट में, या किसी और एक ही स्टेट है, मान लो रोहतक का स्टेट सिटी है, अब आप रह रहे हो पानीपत में, तो आप केस कहाँ फाइल करेंगे, दिमाग में ये भी कन्फ्यूजन आती है। तो आप जहाँ पे भी रह रहे हैं आप वहाँ भी फाइल नहीं कर सकते, जहाँ पे ये केस हुआ है, काउज ऑफ एक्शन हुआ है, जैसे आप रोहतक में पढ़ा रहे थे, रोहतक वाले आपको फीस नहीं दे रहे, वहाँ के जो मतलब डिपार्टमेंट आपको फीस नहीं दे रहा है, ठीक है, वहीं का वो कॉलेज है, भैया वहीं का कॉलेज स्कूल या जो भी है वहीं की मतलब उसकी जो रिस्पोंडेंट की जो वो है ज्यूरिडिक्शन, तो आपको वहीं पे केस फाइल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो कॉलेज स्कूल जो भी था जहाँ पे आप पढ़ा रहे थे या जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे थे एज ए डिजिटल मार्केटर की या कोई भी जॉब कर रहे थे, ठीक है, मान लो रोहतक में है, ठीक है, और अब आप रहते हो पानीपत में, तो आप पानीपत में केस नहीं फाइल कर पाओगे, आप रोहतक में ही केस फाइल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैं जो अपना केस है कैसे लड़ूँ, इतनी दूर से अपना केस कैसे लड़ूँ, ठीक है, तो एक अच्छे अनुभवी वकील से अपना ड्राफ्ट करवा के केस, ठीक है, और फिर उसको बाय पोस्ट भी वहाँ पे भिजवा सकते हो, अपने जो भी लेबर केस का जो भी मैटर है, ठीक है, उसको ड्राफ्ट करवा के वहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। जो भी डेट वगैरह होंगी, मेनली जब अच्छा ड्राफ्ट होता है तो इतना पहले ही उसे डेट पे ही मेनली कभी करके होता है कि समझौता हो जाता है, क्योंकि कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं फंसना चाहता, ठीक है। यदि आपका फिर भी केस लंबा चल जाए कि दूसरी पार्टी आपको आपका जो भी पैसा है या सैलरी है जो भी दे नहीं रही है, तो आप एक दो केस पे जा भी सकते हो, ठीक है, यदि नहीं भी जाना चाहे तो। यदि अच्छा ड्राफ्ट होगा पहली बात तो वैसे ही डर जाएगा, और यदि थोड़ा मतलब वहाँ के जो आपको हायर वकील करना भी पड़ जाए कि मेरे को वहाँ पे डेट पे नहीं जाना, तो आपको वहाँ का जो वकील है कम से कम रुपये में 500 या 1000 या 200-300 में भी हो जाता है कर, जैसे कोई अभी फ्रेशर जो लॉ स्टूडेंट है, ठीक है, लॉ स्टूडेंट है अभी जो एडवोकेट बना है, तो 200-300 में भी वो पर डे की काउंट मतलब वो हैंडल कर लेते हैं कि डेट पे चले जाते हैं कोर्ट में। तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि आप मतलब अपना अच्छा ड्राफ्ट करवाइए, ध्यान दीजिए, पहले फोकस करिए कि अच्छा ड्राफ्ट करवाइए, तो बाद में अपना केस लड़ने के लिए आप वहाँ के कोई भी जो जो फ्रेशर एडवोकेट है, ठीक है, जो अभी बना बना है, तो आप उसको भी मतलब हियरिंग पे भेज सकते हैं अपने केस के लिए, तो आपको जरूरी नहीं कि वहाँ पे जाना है, इस तरह आपके पैसे भी बच जाएंगे, आप अपना केस भी लड़ लेंगे। तो आपको यदि ड्राफ्ट करवाना हो लेबर केस का कोई मैटर, जो भी आपकी जो सैलरी पेंडिंग जो की जो सैलरी है पेंडिंग है उसके लिए आपको केस लड़वाना हो, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं अपने केस ड्राफ्ट करने के लिए भी, कोई आपको लीगल एडवाइस चाहिए उसके लिए भी, ठीक है। और आगे कैसे केस लड़े, उसमें क्या क्या सेक्शन लग सकते हैं, ये कुछ आपको लीगल एडवाइस चाहिए या केस ड्राफ्ट करवाना है, कुछ भी हो आप उसके लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर करिएगा, साथ में लेबर केस से रिलेटेड कोई आपके लेबर कोर्ट से रिलेटेड कोई मामले हो आप उसके लिए भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, लेबर कोर्ट से रिलेटेड जो केस ड्राफ्ट होते हैं उसके लिए भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। पानीपत का जो लेबर कोर्ट है उसके लिए तो आप हमें अप्रोच कर ही सकते हैं, वो हम आपका पूरा संभाल ही सकते हैं केस। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ।